इसमें से कोशिश करती हूँ कुछ बचाने की। ये प्योर वाइट है। बस मैंने छोड़ दी। ब्रेड की क्लीनिंग करते हैं। Next, एक मिनट। रेड की क्लीनिंग बहुत जल्दी हो रही है ना, बहुत सॉफ्टली। रेड से तो मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी आराम से इसकी क्लीनिंग होगी।
रेड भी हो गया है डन। अब ओवरनाइट वेट ब्लैक। बहुत प्यार से उतारूंगी मैं इसके लिए। बहुत पतली है, पतली की लेयर अच्छी लगती है मुझे। अब ये ड्राई हो जाएंगी तो इनको क्रंच करने में बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा सालों भी नहीं करूँगी और शेप की शेप क्रंच कर लूँगी। नहीं तो बिग आइटम में ना सोचना पड़ता है, फिनिश हो नहीं पाएगा, दो चार बाइट लेंगे फिर वो शेप भी ख़राब हो जाएगी। ये बहुत हार्ड लेयर है और नीचे वाला ब्लैक सॉफ्ट है। वाह मेरा टैलेंट, वाह। वाह यार वाह, कितना एक्सपीरियंस हो गया मुझे क्लीनिंग कर करके। अगर ये इसको मैं रगड़ती ना, रगड़ के उतारती है, सच में टूट जाता। थोड़ा सा ग्रेट प्यार से हम उतार देंगे। थोड़ा सा इधर है, डन। ये देखो बाद में दिखाऊंगी इनको तोड़ेंगे। हाथ से तोड़ूंगी मैं इनको। ये बोतल शेप ना मैंने वेट करने रख दी थी और जब मैंने बोतल क्लीन करी तो मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं इस वीडियो में मर्ज कर रही हूँ इसको। बिना मुंडी की बोतल हो गई है, इसकी खोपड़ी मैंने तोड़ दी। डन, क्लीनिंग हो गई है डन सभी आइटम्स की। मैं आपको शो करती हूँ, देखिए कितनी
कितने प्यारे प्यारे कलर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये देखिए रेड के कलर देखिए, नीचे वाइट है तो वाइट टूटा है, रहने देते हैं उसको नीचे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये देखिए जितना मुझे क्लीनिंग में टाइम लगा उतना ही मुझे अब सफाई में टाइम लगेगा। यहाँ मैं स्लेट आइटम से गोबर बनाते हुए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।